सिंजा कॉइन के बारे में बात करने वाले काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स है दोस्तों। मैसिव अपडेट्स बैक टू बैक देता हुआ दिखाई दे रहा है सिंजा कॉइन दोस्तों। इस वीडियो में हम दोस्तों इनका रिसेंटली जो एमए सेशन हुआ था यस्टरडे को उसके बारे में बात करने वाले, साथ ही साथ इन्होंने एक क्लू दिया है दोस्तों। क्लू क्या रिवील ही किया है कि बायबैक करने वाले दोस्तों ये अपने लिक्विडिटी पोल से, तो उससे किस तरह से सिंजा को फायदा होने वाला है उस पर चर्चा करने वाले। साथ ही साथ इसकी एक लिस्टिंग है जो कन्फर्म हो चुकी है दोस्तों, और जो ओकेएक्स कंपटीशन था उसमें थोड़ा एरर आ चुका है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सीएमसी पर देख सकते हैं अभी इसका प्राइस जो है 6766 की सीरीज में सीएमसी पर दिखाई दे रहा है, हालांकि एक्सचेंज पर अभी भी काफ़ी कम प्राइस दिखाई दे रहा है। ये ग्लिच कंटिन्यूसली चल रहा है 3-4 दिन से, तो एक दो दिन में खत्म हो जाएगा क्योंकि डोजो स्वैप वगैरह का जो ये है जो अंडर मेंटेनेंस वगैरह चल रहे थे सब ठीक हो गया है, क्योंकि इन्होंने वो भी रिवील कर दिया है कि मार्केट में वो आ रहा है, केवाईसी ऑडिट वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। तो सीधा सीधा अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये बायबैक्स जो नया एक्सचेंज है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, इसको ये कन्फर्म कर चुके हैं कि ये 30 को लिस्ट हो जाएगा वहाँ पे, और 31 को इसी महीने में दोस्तों ट्रेडिंग वगैरह विड्रॉल वगैरह सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये लिस्टिंग ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। टायर 3 का एक्सचेंज है, काफ़ी बड़ा नहीं लेकिन ठीक ठाक एक्सचेंज है। रीज़न इसका ये है, इसमें जो सबसे अच्छी खासियत ये है कि AI टेक्नोलॉजी पे ये पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है इसकी वजह से इसको थोड़ा बहुत पीस मिल जाए, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने एमए सेशन में कुछ और लिस्टिंग्स को भी रिवील किया है कि जो फ्यूचर में होने वाली है, और उनका नाम भी लिया है दोस्तों एक्सचेंज को, रिवील भी किया है कि इन इन एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, तो वो काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोल रहा था अभी थोड़े ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, 25 मार्च को अगर बोलूं, तो इंडोएक्स इंटरनेशनल ने यानी कि 26 को किया था दोस्तों, तो लिस्ट कर दिया था इसको ऑलरेडी। तो ये भी अच्छी बात है कि एक एक्सचेंज पर अभी ये 2 दिन पहले ही लिस्ट हुआ था, और अभी फिर से एक लिस्टिंग्स की न्यूज़ आ गई है, कन्फर्म हो चुका है। ओकेएक्स का जो ये था दोस्तों कंपटीशन जो लिस्टिंग्स के लिए था, ये इसमें एरर आ चुकी है। कोई भी टोकन, इनमें से जितने भी टोकन है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया दोस्तों उस कंपटीशन में, क्योंकि ओकेएक्स की तरफ से कुछ एरर आ गई थी। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ओकेएक्स फिर भी किसी को लिस्ट कर दे, सिर्फ इस बेसिस पे कि किसने उसको ज़्यादा रिप्लाई किया, किसने उसको ज़्यादा रिकमेंड किया ट्विटर पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हो सकता है सिंजा लिस्ट हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी अगर सिंजा यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। अगली जो इसकी अपडेट है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं डोजो स्वैप, डोजो स्वैप की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हाइप में है, मार्केट में अभी कम्प्लीटली एंटर नहीं हुआ है, लेकिन अब लॉन्च इनकमिंग ये दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑडिट KYC वगैरह कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टोकन्स जो एप्लीकेशन थी इनके पास लिस्ट होने के लिए वो ऑलरेडी थी, कुछ और नए टोकन इन्होंने रिवील किए थे दोस्तों, उनके साथ ये मार्केट में आ रहा है, तो हो सके। और दोस्तों एक चीज़ मत भूलना, इसमें ऑटो बर्निंग का फीचर इन्होंने डाला है, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये मार्केट में जब आता है कम्प्लीटली तरीके से, तो क्या इस पर सिंजा की प्राइस पर इसका फर्क पड़ने वाला है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। अगली जो इसकी अपडेट है दोस्तों, ये मार्केटिंग, आप ट्रेंड देखिए दोस्तों, एल बैंक इनको की तरफ से जो ये भी वीकेंड थे यानी कि सैटरडे संडे को जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कॉइन थे दोस्तों, उसमें सिंजा भी शामिल है दोस्तों, BTC, किसू और सिपडोज दोस्तों। ये तीनों तो अलग बात है, लेकिन किसू को मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बार बता चुका हूँ कि किसू इनको भी आप हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा कॉइन है ये, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मार्केट में है, तो इस वजह से दोस्तों इसका ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा है। हालांकि अभी हम सिंजा की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सिंजा की अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बायबैक एंड बर्न। दोस्तों इन्होंने अपने एमए सेशन में रिवील किया है बाकायदा कि ये अपने लिक्विडिटी पोल से वापस से बायबैक करने वाले हैं। उन्होंने अमाउंट तक बता दिया दोस्तों कि $4.2 मिलियन का ये लिक्विडिटी पोल से सिंजा टोकन जो है उसको बाहर निकालेंगे और उसको बर्न करेंगे। दोस्तों लिक्विडिटी पोल से निकालने का मतलब दोस्तों ये होता है कि ऑलरेडी जो इन्होंने लिक्विडिटी पोल के लिए जो डाले हुए हैं टोकन, जो अपनी टीम के पास रखे हुए हैं, यानी कि लिक्विडिटी पोल में रखे हुए हैं, सॉरी टीम के पास नहीं, लिक्विडिटी पोल में जो रखे हुए हैं वहाँ से ये टोकन निकालने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो है मार्केट से खरीद कर नहीं बेचने वाले हैं, नहीं बर्न करने वाले, सॉरी मार्केट से, यानी कि मार्केट से खरीदने से दोस्तों ये होता है कि अचानक से सडनली प्राइस पर फर्क पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा पंप कर जाती है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पर किसी भी कोई भी एक वेल की तरह काम करेगा कि एंटर किया और बड़ा सा अमाउंट में कोई खरीदा और फिर उसको बर्न कर दिया, तो कहने का मतलब वो परमानेंट होल्डर हो गया, क्योंकि बर्न एड्रेस से वापस टोकन्स नहीं आ सकते, तो तब ज़्यादा पंप आता है प्राइस में। लेकिन अभी अभी इस केस में क्या हो रहा है कि ये लिक्विडिटी पोल से खींच रहे हैं उससे, लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से तो सिंजा को काफ़ी फायदा है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होने वाली है, और दोस्तों ये उसको किस 3 स्टेप्स में बर्न करने वाले हैं बायबैक करके, तो वो इन्होंने एमए सेशन में बताया था, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप ये अपडेट देखिए, जो ये एमए सेशन में दोस्तों लिस्टिंग्स के बारे में इन्होंने जो बोला था कि बायबैक्स जो है कि ऑलरेडी कन्फर्म कर चुका है कि इनकी जो लिस्टिंग है सिंजा की वो हो जाएगी 331 को, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया। इसके अलावा दोस्तों क्लिफ यानी कि जो दोस्तों ओनर है वो P2B जो एक्सचेंज है और XT एक्सचेंज है, दोनों एक्सचेंज है दोस्तों वापस से अगेन Tier 3 एक्सचेंज है। दोस्तों Tier 3 एक्सचेंज भी काफ़ी अच्छे खासा एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि आपको पता है Hotbit, Bitmart जैसे एक्सचेंज है और उन्हीं की कैटेगरी में आने वाले ये तीनों जो एक्सचेंज है, तो इन पर ये लिस्ट हो रहा है।
और बैक टू बैक ये बता रहा है, और इन्होंने बोला कि जल्द से जल्दी इन दोनों पे भी लिस्ट हो जाएगा, उनसे इनकी बात चल रही है। और ओके एक्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बोल ही दिया दोस्तों, इसमें कुछ एरर आ गया था, तो अभी इन्होंने भी बोल रखा है कि पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी किसी भी टोकन को, तो अभी हो सकता है कि ये कर दे किसी ना किसी तरीके से, गुड फेथ रखे ये कैसे भी इसको लिस्ट कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, ये भी हो सकता है। और दोस्तों बायबैक की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ये देखो, द टीम हैज़ डिसाइडेड दैट बिकॉज ऑफ आवर लिक्विडिटी इज़ सो हेल्दी, दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि जो इनका लिक्विडिटी पूल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई रखी हुई है, क्योंकि उसका ये भी रीज़न हो सकता है दोस्तों, इनिशियल स्टार्टिंग में इन्होंने जितना भी लिक्विडिटी रखा होगा वो तो रखा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दोस्तों, जिसमें से कुछ रिवार्ड्स की तरह जाता है होल्डर्स को और कुछ जाता है जैसे कि 5% लिक्विडिटी पूल में जाता है, तो उस वजह से भी दोस्तों जो लिक्विडिटी पूल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इस वजह से शायद इन्होंने डिसाइड किया होगा क्योंकि हमारी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया होगा, जो कि काफ़ी अच्छा कदम है। इससे प्राइस पे अचानक से पंप आए ना आए, लेकिन दोस्तों इसकी ओवरऑल सप्लाई है वो कम हो रही है, यानी कि नॉर्मल बर्निंग की तरह ही है, जैसा कि अदर प्रोजेक्ट में भी होता है कि वो बाय बैक करते हैं और फिर उसको खरीद रहे होते हैं, तो ऐसा ये भी कर रहे। तो दोस्तों इससे थोड़ा बहुत पुश तो मिलेगा, लेकिन हमारा ओवरऑल जो मोटो था एज अ होल्डर, मुझे भी लगता था कि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे कि डोजो स्वैप में ऑटो बर्निंग, साथ ही साथ गेमिंग के बाद में ये बर्निंग करने वाले। अब दोस्तों ये बायबैक पर भी फोकस कर रहे हैं और उसको बर्न करेंगे, तो आपको भी इंटेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि सिंजा अपनी सप्लाई को रिड्यूस करने पे काफ़ी ज़्यादा जुटा हुआ है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है दोस्तों। डोजो स्वैप V2 स्नैक पिक, दोस्तों डोजो स्वैप पे अभी काम चल रहा है क्योंकि इसका ये नया वर्जन लाने वाले हैं, अपडेट लाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों डोजो स्वैप की हाइप भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना दे रहा है ऑलरेडी, जबकि ये मार्केट में अभी अच्छे तरीके से नहीं आया है। हालांकि डोजो स्वैप मार्केट में है ये कह सकते हैं क्योंकि ऑडिट KYC हो चुका है, तो अभी वहाँ पे स्वैपिंग चल जाएगी, लेकिन इसका एक और अपडेट भी आएगा दोस्तों, जिसके बारे में भी इन्होंने MA में डिस्कस किया था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि फ्यूचर में जैसे ही डोजो वर्स में आएंगे, डोजो वर्स पे अभी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डोजो स्वैप पे काम खत्म हो जाता है तो डोजो वर्स ही इनके पास अगला कदम रहने वाला है, और लिस्टिंग्स तो दोस्तों ये बैक टू बैक करवा ही रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली लगभग लगभग हर MA सेशन में ये लिस्टिंग्स के रिगार्डिंग तो डिस्कस करते ही है, और इनकी नए नए टोकन्स के साथ पार्टनरशिप काफ़ी तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। तो ये सारी भी जितनी भी अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं दोस्तों, कभी भी इसकी प्राइस स्पाइक कर सकती, कभी भी ज़्यादा पंप दे सकती, तो दोस्तों आप अपना प्रॉफिट बुक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा भी नहीं होने वाला है कि एक ही दिन में आप सोचो कि 4 से 5 0 एक ही दिन में ऐसा हो जाए, ओवरनाइट में मिलीनियर बन जाओ, ऐसी काफ़ी कमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन आप दोस्तों वही सीढ़ी दर सीढ़ी खेलो, क्योंकि जैसा कि अगर इसकी प्राइस आपको मौका मिलता है कि हाँ आपको 2x 3x मिल रहा है, तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसको उतना अमाउंट तो आप निकाल ही सकते हैं, बाकी प्रॉफिट को आप जैसा कि आगे रख दो ताकि आपको रिग्रेट भी ना हो ज़्यादा, इसलिए आप उसको ज़्यादा लॉन्ग होल्ड भी कर सकते हो, तो ये चीज़ सिंजा में है। और दोस्तों इसकी प्राइस प्रिडिक्शन में हमेशा बोलता ही हूँ कि 3 से 4 0 आप किल लेके चलो 2022 में, क्योंकि वो तो ये करने वाला ही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बायबैक वगैरह कर रहे हैं, बर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कभी भी हो जाएगा, और लिस्टिंग्स पे तो आपको पता ही है हर MA सेशन में ये क्लियर हो जा रहा है कि ये लिस्टिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए जो सिबनोव जो डोजो स्वैप है दोस्तों, जो इसका नया वर्जन आएगा उसका लुकआउट इस तरह का रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मार्केटिंग भी बैक टू बैक चल रही है, और दोस्तों इसके रिगार्डिंग इन्होंने बैक टू बैक 7-8 ट्वीट किए थे, जिसमें इन्होंने 4 से 5 अलग अलग नए टोकन्स भी बताए थे कि इसके साथ ये लॉन्च होने वाले हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।